सिंबल है हमारा, जैसे प्यार का सिंबल ताजमहल है, वैसे ही वो एक सिंबल है। आज आप जाइए कहीं भी, आज दिल्ली में है चाचा जी यादव भवन हमारा, 250 रुपए में आप वहां रह सकते हैं एयर कंडीशन कमरे में। मैं ये नहीं कहता कि कोई सुविधा उठाने की बात है, लेकिन हमारा वो एक सिंबल होगा, हम एक पहचान उससे देंगे। लिटिल फ्लावर स्कूल या चंदमणि भैया का स्कूल या मुन्ना भैया का स्कूल या हम हमारे सिंह प्रताप भैया मुन्ना भैया बैठे उनका, हम लोग एक सिंबल नहीं बन पाए हैं, वो सिंबल नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हमको ठीक है विजय भाई को देखा जाता है कि इनका भी स्कूल बन गया, मुरली का स्कूल बन गया इनका, ये नहीं है। हम क्या है, हमारा समाज क्या है, मैं ये मानता हूं कि जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो बर्नवालों से स्थिति खराब नहीं है, हमारी सिंधियों से स्थिति खराब नहीं है, हमारी मुसलमानों से स्थिति नहीं खराब है, तो आखिर हम क्यों पीछे हैं। इस पर मैं आप सब लोगों को निवेदन और प्रार्थना करता हूं, छोटा होकर, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं इस पर चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपना ध्यान आकर्षित करिए। और यहां बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप लोग चाहेंगे तो ये हो सकता है। चंदे की शक्ल कोई ऐसी नहीं है कि कोई 5 रुपया भी दे सकता है, ये पैसे की बात नहीं। दूसरा हम लोग जो चाहते हैं, जो दूसरी व्यवस्था ये चाहते हैं कि कम से कम हर ब्लॉक में एक हमारी बच्चियों के लिए जो जो स्वावलंबी नहीं बन पाई है, जो स्वावलंबी बनाना जिनको है, आज तमाम कुरीतियां फैले हुई हैं, दहेज और ये दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन अगर एक बच्ची को भी हम लोग स्वावलंबी बनाने की हैसियत में आ जाए कि हम बच्चियों को स्वावलंबी बना देंगे, उसका बहुत बहुत साधारण तरीका है, आसान तरीका है कि हर ब्लॉक, 9 ब्लॉक हैं इस जिले में, अगर हर ब्लॉक मुख्यालय पर एक हम लोग सिलाई केंद्र खोल दें अपने समाज का, जिसका संचालन आप सब मिलकर करें, हम सब मिलकर करें उसका संचालन, और वहां से जो लड़की सिलाई प्रशिक्षण सीख कर जाए, उसको जाते समय विदाई में, उसको जाते समय विदाई में एक सिलाई मशीन देकर हम उसको विदा करें, तो शायद उसको कुछ हद तक हम स्वावलंबी बना सकते हैं, इतना तो जरूर बना सकते हैं कि वो किसी के सामने हाथ नहीं खोले। ये मेरा प्रस्ताव, आप लोग मानेंगे, आप लोग उसको सराहेंगे, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा। तीसरा, बच्चे जो मेंस निकाल चुके हैं, जो एक दो बार प्री निकाल चुके हैं, जो एक आध बार इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, उन बच्चों के 1 साल का खर्चा समाज उठाए और उनको ये कहे कि बाबू 1 साल और पढ़ो, हम तुमको पैसा देंगे, चिंता करने की बात नहीं, हो सकता है, बस सोचने की जरूरत है। छोटे स्तर पर हम लोग मदद कर देंगे, चंद्रवाणी भाई मदद कर देंगे, मुन्ना भाई मदद कर देंगे, मैं कर दूंगा, लेकिन 12वीं तक की एजुकेशन से समाज का भला नहीं होना। समाज का जब भला होगा, जब आपके 20 से लड़का IAS बनेगा, जब आपके 20 से लड़का PCS बनेगा। आज ही अगर सरकार हम लोग कर दे, सरकार बन जाती तो क्या कर लेते हम लोग, सरकार बन जाती तो कौन प्रमुख सचिव बनता, सरकार बन जाती तो कौन मुख्य सचिव बनता, सरकार बन जाती तो कौन OSD बनता, नहीं है ना, 2-4-5 नाम लेंगे खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, जैसे भी हम लोग दे सकते हैं। हम लोग के बीच में हमारे जिला अध्यक्ष और मेरे पिता तुल्य गुंडा जी आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस पर भी एक बजट बना सकते हैं और सब लोग मिलकर उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं।